हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाइल्ड मल्टीवर्स के और एक न्यू वीडियो में। हम इंसानों को दिया हुआ प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है जंगल, जो हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और खाने पीने के लिए फूड और वाटर की कमी कभी भी नहीं होने देती है। जंगल जो हमें खाने पीने रहने जैसी सुविधाएँ देती है, तो हमारा भी फर्ज ये है कि हम उन जंगलों के बारे में जाने जो हमारी हेल्प सदियों से करते आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेनफॉरेस्ट के बारे में। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अमेज़न रेनफॉरेस्ट। अमेज़न रेनफॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में स्थित है, क्या आपको पता है साउथ अमेरिका के 40% हिस्से में यह जंगल फैला हुआ है, जो हमारे भारत के मुकाबले दो गुना बड़ा है, जो 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसलिए इसको पृथ्वी का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। यह जंगल साउथ अमेरिका के 9 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जिसमें से ब्राज़ील में इसका 60% हिस्सा पाया जाता है और बाकी कंट्रीज़ में से पेरू में 12.8%, बोलिविया में 7.7%, कोलंबिया में 7.1%, वेनेजुएला में 6.1%, गुयाना में 3.1%, सुरीनाम में 2.5%, फ्रेंच गुयाना में 1.4% और इक्वेडर में 1% हिस्सा पाया जाता है। आपके मन में तो ये सवाल आया ही होगा कि अमेज़न फॉरेस्ट को अमेज़न रेनफॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब है, अमेज़न फॉरेस्ट में हमेशा बारिश का वातावरण बना रहता है, तो इसके रेनी कंडीशंस को देखकर इसका नाम अमेज़न रेनफॉरेस्ट यानी कि वर्षावन रखा गया है। इस जंगल में 400 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रीज अभी मौजूद हैं, जो 75 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके सारा पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन देती हैं, जिसके कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और डेली 79 गैलन्स ऑफ वाटर को इवापोरेट करके ये वाटर साइकिल को संतुलित रखती हैं, और इतनी ज़्यादा वाटर इवापोरेट करने के कारण यहाँ हमेशा बारिश का वातावरण बना रहता है, जिसके कारण इसे वर्षावन कहा जाता है। लंबाई के मामले में इस जंगल में पृथ्वी का सबसे बड़ा नदी प्रवाहित होती है, जिसका नाम है अमेज़न रिवर, जिसका लेंथ 6,992 किलोमीटर से, जो पेरू माउंटेन से स्टार्ट होकर अटलांटिक ओशन में एंड होती है, जहां से पृथ्वी का 20% फ्रेश वाटर आती है। यहां पे 50,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीसीज और 16,000 से भी ज़्यादा ट्री स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से ऑर्चिड्स, विक्टोरिया अमेजोनिका, ब्रोमलेट्स, लॉबस्टर क्लॉस, पैशन फ्लावर, वाटर लिलीज, कैट्स क्लॉ इत्यादि प्रमुख प्लांट स्पीसीज हैं, और पाम्स, मूसा, कॉफ़ी, ब्राज़ील नॉट, कोकाओ, पारारोवर, मिर्टिल, आकाशिया, रोजवुड इत्यादि प्रमुख ट्री स्पीसीज हैं। आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, ट्रीज जो होते हैं वो प्लांट से ऊंचाई और साइज के मामले में बड़े होते हैं। यहाँ पे जागवार, पूमा, कैपिवारा, जायंट रिवर ओटर, जायंट एंटेटर, स्पाइडर मॉन्कीज, ओलर मॉन्कीज, टिट्टी मॉन्कीज, कैपुचिन मॉन्कीज, अमेज़न पिंक रिवर डॉल्फिन, स्लॉथ इत्यादि जैसे 430 से भी ज़्यादा मामल्स की स्पीसीज दिखाई देते हैं। यहाँ पे होआजिन, मॉकर्स, हार्पी ईगल, एंटबर्ड्स, किंगफिशर्स, फ्लाईकैचर्स, वुडपिकर्स, कॉक ऑफ द रॉक, गुआंस, हमिंगबर्ड्स और पेंडोला जैसे 1300 बार्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। फिश के 3000 स्पीसीज में से आरिपामा, पिराना, इलेक्ट्रिक ईल, जॉइंट कैटफिश, नियोन टेट्रास, एंगल फिश इत्यादि प्रमुख हैं। यहाँ पे एनाकोंडास, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स, वेनमस स्नेक्स, काइमेन, पॉइजनस डार्ट फॉक्स, ट्री फॉक्स, इगुयान्स एंड फ्रेश वाटर टर्टल जैसे 400 से भी ज़्यादा रेप्टाइल की स्पीसीज पाई जाती हैं। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा इंसेक्ट की स्पीसीज पाई जाती हैं। इस जंगल को 4 लेयर्स में स्ट्रक्चर किया गया है, जो लेयर्स के हिसाब से वहाँ पे रहने वाले प्राणियों को दर्शाती है। जैसे कि फर्स्ट लेयर है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे पूमा, जागुआर, कैपिवारा जैसे एनिमल्स रहते हैं, और सेकेंड लेयर है अंडरस्टोरी, जहाँ पे स्नेक्स और फ्रॉग्स जैसे प्राणी रहते हैं, और थर्ड लेयर है कैनोपी, जो छोटे पेड़ों का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पे स्क्वेरल मॉन्कीज और टोकन जैसे बार्ड्स रहते हैं, एंड लास्ट और फोर्थ लेयर है इमर्जेंट लेयर, जो सबसे बड़े पेड़ों का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पे हार्पी ईगल, बैट और मर्फी बटरफ्लाइज जैसे प्राणी रहते हैं। इस जंगल में गोल्ड, फ्यूल, नेचुरल गैस, चारकोल एंड मेडिसिन प्लांट जैसे बहुमूल्य पदार्थ पाए जाते हैं, जो ह्यूमंस के फ्यूचर के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। बट ह्यूमंस ये सब ना समझ के इस जंगल के 4.8 मिलियन एकर्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। हालांकि ये करतूत के लिए ह्यूमंस को फ्यूचर में इसकी कीमत चुकानी पड़े, बट आप एक काम अभी कर सकते हो, जो है वाइल्ड मल्टीवर्स को सब्सक्राइब करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।